अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मेरे वीडियोस देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो इट्स बीइंग टू लेट कि मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया है, आप लोगों ने मुझे मिस किया है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया है। आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी मसरूफ थी इस व्लॉग के अंदर, आपको मैं बताऊँगी। मेरे बेसिकली चल रहे हैं मिड्स और यस इट्स माई सैटरडे मॉर्निंग एंड आई वुड बी स्टार्ट माई स्टडी, सो मैं सोचा आपके साथ अपनी मिड की रूटीन शेयर करूँ। सो या दिस वॉज बी द टाइम जब मैंने कहा कि चलें जी अब व्लॉग बनाया जाए, और काफ़ी टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ। मंडे का सैटरडे का व्लॉग है, और या ये व्लॉग भी आप लोग सैटरडे को इंशाल्लाह देखेंगे। और इस व्लॉग में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे क्यों बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, लिटरली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग को एडिट करने का, शूट करने का। लेकिन मैंने शूट तो कर लिया था, एडिट नहीं किया था, वॉइस ओवर नहीं किया था, बहुत सारा जो है ना मतलब काम पेंडिंग पे था। तो मैंने कहा कि भाई पहले मेरे सारे मेड्स होते जाए ना, देन आपके साथ जो है ना मैं आगे फर्दर शेयर करूँगी डिटेल्स अपने मेड्स की। सो या दैट वॉज माई फर्स्ट मेड एंड मैंने कहा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके साथ प्रिपरेशन करेंगे, और आपको भी दिखाते जाएंगे साथ साथ कि हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आप उससे रिलेट करें। सो गाइस पढ़ने की कोशिश जारी है, अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इट्स माई स्ट्रेटजी टू लर्न, कि मैं यहाँ पे लिख के देखती जाती हूँ, जो भी मैं कुछ भी याद करती हूँ तो उसको ऐसे की पॉइंट्स में मैं लिख लेती हूँ, सो दैट कि वो मुझे अच्छे से याद रहे। या मुझे कभी लगे कि कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ है तो फिर जो है ना मैं ये करती हूँ कि उसका पूरा पैराग्राफ लिखती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखती, मतलब थोड़ा लिख देती हूँ वरना पूरा पैराग्राफ लिखती हूँ। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू डू दैट, ये मैंने थोड़ा बहुत किया है। और अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सो या हमारे मिड टर्म्स में हमें छुट्टी नहीं दी हुई उन्होंने, और साथ साथ मिड टर्म्स भी होंगे और साथ साथ जो है रेगुलर क्लासेस भी होंगी। मेरा गला यहाँ पे बंद हो रहा है बिल्कुल, सो या बट फिर भी मुझे पढ़ना तो है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बॉल पेन भी देखिए लिख लिख के ख़त्म होने वाला हो गया। सो खैर ये सारा मुझे जो है ना पढ़ना है, और इंशाल्लाह इसको पढ़ के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने और कहवा वगैरह भी पी लिया है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसका हमारा पहला पेपर है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ और ये मैंने इसके नोट्स बनाए थे जैसा कि आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा। सो अभी इंतहाई खामोशी के अंदर मैं इसको पढ़ने की और याद करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट वॉज द चैप्टर ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत ईजी तो है लेकिन मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि जस्ट क्विकली हमें जो है ना रिव्यूज़ का मिला था, इसके नोट्स मैंने बना लिए थे, लेकिन अब जो है ना इसको याद करने का टाइम है। कंपेरेटिव टू द अदर चैप्टर इट वॉज़ ईजी, बट या टाइम तो लगेगा क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम ही याद कर रही हूँ मैं। सो इसको हम याद करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको रिवाइज़ करेंगे, एंड या इस तरह ही चलता रहेगा। मिड टर्म्स में तो मैं आपको सिर्फ यही दिखा सकती हूँ कि क्या चल रही है, क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसा है नहीं करने के लिए पढ़ाई के अलावा। सो आई विल बी प्रिपेयरिंग माई मिड फॉर मिड्स एग्ज़ाम। अब इतना पढ़ने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छा खाना भी कंज्यूम करें, अच्छा अच्छा फूड कंज्यूम करें ताकि आपका दिमाग भी अच्छा चले। तो यहाँ पे हमें मिक्स वेजिटेबल्स खा रही थी। आई नो ये थोड़ा आलू गोभी टाइप लग रहा है, लेकिन दीज आर द मिक्स वेजिटेबल्स, सो ये मैंने खाई थी। सो जी इट्स 5:55, 6 बज रहे हैं और अब मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। जस्ट दिस पेज वुड बी लेफ्ट, और ये पूरे के पूरे नोट्स आपकी बहन ने प्रिपेयर कर लिए हैं और आज इनको करना स्टार्ट किया था जैसा कि आपने देखा। तो अभी ये जो है ना ख़त्म बस होने वाले हैं, और आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारे रजिस्टर में जिसके नोट्स हैं, एंड देट वॉज बी दिस एंड आई विल शो यू ये वाला ये सारा ब्रेन वाला, और ये वाले ग्लैंड्स। तो दिस वॉज बी द चैप्टर बहुत लॉन्ग, लेकिन ये वाला चैप्टर आपकी बहन को आता है काफ़ी ज़्यादा, सो क्योंकि इसके क्विजेज़ हुए थे। वो वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं होता, वो हमने याद ही नहीं किया था पहले क्योंकि उसके क्विजेज़ नहीं हुए हुए। सो आई एम हैप्पी टू बी क्लियर दैट इसको आज हम कम्प्लीट करके सोएंगे, बिकॉज कल संडे है, कल हम सारी रिविजन करेंगे। ओवर एंड ओवर रिविजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। तो ये सारा जो है आपकी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। आज जो हमारा एक लॉ है, ये वाला लॉ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि रिपीटेड प्रैक्टिस हेल्प रिइंफोर्स कनेक्शन इन द ब्रेन, मेकिंग रिकॉल एंड परफॉर्मेंस ईजियर। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा रिकॉल करने के बाद लर्निंग। सो या आई नो मैं आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। सो खैर अब इसको मैं कम्प्लीट करती हूँ, एंड आई विल बी मीटिंग यू आफ्टर माई मिड्स इंशाल्लाह। लेकिन ये सब आपको मिलता रहेगा मेरे व्लॉग्स के अंदर आजकल, बिकॉज यही चल रहा है भाई आजकल, तो यही दिखाऊंगी मैं आपको।
अपने नाम भी लिख लो और डेट। ओके तो इट्स संडे एंड मेरे जो है ना हमारे रिलेटिव्स आ गए थे, तो उनकी जो बेटी है ना उससे मेरी काफ़ी ठीक ठाक दोस्ती भी है। तो यहाँ पे हमने जो है ना एक ड्राइंग कंपटीशन किया था, एक कैट बनाई थी। कल तो मेरा पेपर भी था लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, हम इसको आधा घंटा दे देते हैं करने के लिए। सो नाउ आई ट्राई टू स्टडी बट आई थिंक आई एम वेरी टायर्ड टू डू दैट। तो अभी अभी मैं बैठी हूँ जस्ट अभी अभी पढ़ने के लिए और यहाँ पे मेरा दिल ही नहीं कर रहा। 3:02 हो रहे हैं, अभी जस्ट ड्राइंग ख़त्म किया जैसा कि आपने देखा, और नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग मोर। अच्छा मुझे रिवीजन भी करनी है और मेरी कोशिश है कि 4 बजे तक मैं अपना पूरा कंप्लीट कर लूँगी सारा, एंड 4 बजे के बाद इट्स ऑल अबाउट रिवीजन बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मुझे प्रैक्टिस जितनी बार मैं इसको रिवाइज कर लूँगी, रिकॉल कर लूँगी, तो ये मेरे इसमें ब्रेन में फेड हो जाएगा। सो आई वॉन्ट दैट, लेकिन अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। एक ये टॉपिक रह गया और एक ग्लैंड्स वाला टॉपिक रह गया, जस्ट 2 टॉपिक्स मेरे लेफ्ट हैं। 4 बजे तक वो कंप्लीट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको रिवाइज करना है, लर्न नहीं करना, पूरा याद नहीं करना, शुरू से पहले किए हुए जस्ट टू रिवाइज इट। बट आई थिंक आई कॉन्ट डू इट बिकॉज मुझे अभी नींद काफ़ी आ रही है। 3 बज रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है अभी थोड़ी देर सो जाऊँ और फिर मैं इसको करूँ। बट फर्दर मैं देखती हूँ क्या करना है एंड फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ कि किस तरह से पहला मेड की तैयारी हुई मेरी। सो या इट्स मंडे मॉर्निंग और आपकी बहन अच्छा सा नाश्ता करके कॉलेज गई, और अच्छा सा पेपर भी हुआ, बहुत मज़ेदार सा पेपर हुआ, बहुत अच्छा आसान पेपर था, और जो जो आपकी बहन ने याद किया था वो पेपर आया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, और इंशाल्लाह आगे के व्लॉग ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा कम्युनिकेटिव और ज़्यादा अच्छे होंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दैन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।